उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन हुआ पूरा, विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले सीएम पुष्कर धामी। यूसीसी पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी का जोरदार स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी। शरीयत हमारी जिंदगी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद का बयान। राज्यसभा में पीएम मोदी ने तीसरी बार जीतने का किया दावा, कहा 3.0 में विकसित भारत बनाऊंगा, पूरे 5 साल का प्लान बताया। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले 40 सीट बचा लें यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। पीएम ने कहा कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, लेकिन वो ना लिफ्ट हो पा रहे हैं ना ही लॉन्च। पीएम ने कांग्रेस को आउटडेटेड कहा, बीमार भी बताया, कहा उन्हें डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस अब देश को तोड़ने का नैरेटिव चला रही है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारा पैदा कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पिछड़ों के विरोधी बताया, बाबा साहब ने होते तो ST SC को आरक्षण तक ना मिलता। चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार, राहुल गांधी का निशाना। NDA का मतलब नो डेटा अवेलेबल, ये सिर्फ झूठ बोलते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। प्रधानमंत्री देश के होते हैं किसी पार्टी के नहीं, उनका भाषण सुनकर दुख हुआ, शरद पवार बोले नेहरू का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, KC वेणुगोपाल बोले संसद के मंच से चुनावी भाषण दिया, अपनी सत्ता बचाने के लिए रोज कांग्रेस को गाली देते हैं पीएम, अधीर रंजन का निशाना। राज्यसभा में पीएम का भाषण, मन की बात, TMC बोली सरकार ने संसद को अंधेरी कोठरी में बदला। मोदी का बयान, पीएम नहीं बीजेपी नेता जैसा, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का अटैक। UP विधानसभा में राम मंदिर पर बोले सीएम योगी, भगवान को अपने घर जाने के लिए प्रमाण देने पड़े, हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। सीएम योगी ने कहा हमने तो सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा मांगी, काशी के बाद अब कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी का मुस्लिमों को डायरेक्ट मैसेज, मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी थे, मुगलों का महिमा मंडन देश स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने अखिलेश को भी घेरा, कहा उनके PDA में चाचा नहीं है, अखिलेश चाचा शिवपाल को ही भूल गए। SP परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही थी, UP की डिप्टी CM का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी सरकार को घेरा, कहा कितने लोगों को रोजगार दिया। अखिलेश यादव ने कहा बिना समाजवाद के रामराज्य संभव नहीं है। सीएम केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट से झटका, ED की शिकायत के बाद समन जारी, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। केजरीवाल को कोर्ट के नोटिस पर बोली, आप कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। केजरीवाल लगातार जांच से भाग रहे, वो शराब घोटाले में शामिल, दिल्ली बीजेपी चीफ का निशाना। हेमंत सोरेन की ED कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ी, जमीन घोटाले में हुई है थी गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन के खिलाफ ED को मिला बड़ा सबूत, विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने, सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी शेयर की, विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ED ने चैट रिकवर की। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट, EC ने अजीत गुट को बताया असली NCP। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम, चुनाव आयोग ने NCP शरद चंद्र पवार नया नाम दिया। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को 3 नाम बताए थे। शरद पवार मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो पहले से तय था, उद्धव ठाकरे का निशाना। कोर्ट जाने से शरद पवार गुट को कोई फायदा नहीं मिलेगा, अजीत गुट के नेता छगन भुजबल का बयान। मुंबई में शरद पवार गुट की होर्डिंग्स, ना थकेंगे ना झुकेंगे जैसे नारे लिखे गए। शरद पवार एक योद्धा हैं, लड़ेंगे, संजय राउत का बयान। इलेक्शन कमीशन का निर्णय लोकतंत्र का मर्डर जैसा, सिंबल जाने पर बोले अनिल देशमुख। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार PM से मिले नीतीश कुमार, अमित शाह JP नड्डा से भी हुई मुलाकात। JP नड्डा से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे, RLD के NDA में शामिल होने पर बोले अखिलेश। जयंत चौधरी ND गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। जयंत चौधरी के NDA में जाने पर बोले डिंपल यादव, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। बीजेपी और RLD गठबंधन के सवाल पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, बेमेल गठबंधन है, शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ फैसला लेगा। राज्यसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति, पूरा अंश बहाल करने की मांग की। AIADMK के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में थामा दामन। RJD सांसद मनोज झा का केंद्र पर निशाना, पूछा 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ। गोवा के मंत्री गोविंद गौड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज, सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ED की रेड, फॉरेस्ट लैंड स्कैम में बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 10 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी, पिछले साल विजिलेंस विभाग ने भी की थी कार्रवाई।
ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 फरवरी को अगली सुनवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की दिल्ली मेट्रो की सवारी, डीएमआरसी अधिकारी मेट्रो संचालन के बारे में जानकारी देते नजर आए। श्रीनगर में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को बनाया निशाना, अमृतसर के रहने वाले शख्स की मौत हुई। एमपी के सीएम ने हरदा में घटनास्थल का किया हवाई दौरा, घायलों से भी मुलाकात की। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, हरदा एसपी को हटाया गया। हरदा मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 अरेस्ट, दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी। नागपुर में एक बस से बम जैसी संदिग्ध वस्तु बरामद, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। बस से संदिग्ध वस्तु मिलने पर महाराष्ट्र सरकार हुई सख्त, बस में सवार एक यात्री की जानकारी ली जा रही है। जयपुर में सीएम भजन लाल ने जिला अधिकारियों से की मीटिंग, जल जीवन मिशन को लेकर अपडेट लिया। भारतीय स्टेट बैंक की विधानसभा शाखा का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी मौजूद थे। ओडिशा में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने राउरकेला के वेदव्यास मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार का प्रदर्शन, सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। कर्नाटक और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, सीएम सिद्धरमैया का बयान। राजस्व देने में कर्नाटक दूसरे नंबर पर, डिप्टी सीएम बोले हम अपना हिस्सा मांग रहे। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी भी सड़क पर, बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस के विरोध पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कर्नाटक सरकार को झूठों की सरकार कहा। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। मेयर चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर था प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। महाराष्ट्र के जायकवाड़ी बांध पर सोलर प्लांट का विरोध, अहमदनगर और संभाजीनगर के मछुआरों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में मिली 11वीं सदी की मूर्ति, भगवान विष्णु की है ये प्रतिमा। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला जैसी मूर्ति, प्रतिमा की प्रभा में विष्णु के 10 अवतार अंकित। कुवैत से बिना इजाजत मुंबई पहुंची बोट, मुंबई पुलिस ने 3 को अरेस्ट किया, पकड़े गए 3 तमिलनाडु के रहने वाले। अलवर में महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर पुलिस इंस्पेक्टर से ठगे 90 लाख रुपए, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। महिला पर एक कांस्टेबल से भी 6.5 लाख रुपए ठगने का आरोप, आरोपी महिला सहित 4 अरेस्ट। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई हिंसक वारदातों में रही है शामिल। बरेली में त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन के सामने से फर्जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, गलत ढंग से वर्दी पहनने के कारण पकड़ा गया। पंजाब में आतंकी लखबीर लांडा हरविंदर रिंदा के 3 सहयोगी अरेस्ट, एनडी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पकड़ा। जामनगर में बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया बच्चा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। हरियाणा के करनाल में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान खाक। राजस्थान के उदयपुर में होटल की छत पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बिहार के मधुबनी में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। जमीन विवाद में हुई फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, मौके पर मां बेटे की मौत। ओडिशा के मयूरभंज में 120 किलो गांजा बरामद, 2 तस्करों को अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में 267 अपराधियों का परेड, नीलेश घायवल, बाबा घोड़के जैसे अपराधी शामिल। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर की जमीन पर कार्रवाई, पुलिस ने 1.5 लाख की संपत्ति सीज की। कर्नाटक के गोलार में लाल चंदन की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 392 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर आवागमन बाधित, स्नो कटर से हटाई गई बर्फ। हिमाचल के कांगड़ा में 2 पर्यटकों की मौत, बर्फ की वजह से फिसलकर खाई में गिरने की आशंका। पैराग्लाइडिंग टीम ने किया रेस्क्यू, बड़ी मुश्किल से दोनों की डेड बॉडी निकाली गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 82.96 रुपए पर रहा। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद हुआ, निफ्टी 21,930 पर रहा। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे जसप्रीत बुमराह, 3 फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर बनने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज।